महाराष्ट्र के अकोला में गरबा खेलते समय दो गुटों में आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद इसने झगड़े का रूप ले लिया और जमकर लाठी चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तब कहीं जाकर स्थिति नियंत्रण में आई, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका नाम शिवम ठाकुर है। देर रात तक पुलिस द्वारा गुना दाखिल की प्रक्रिया शुरू थी। आगे की कार्रवाई सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। ये झगड़ा जो हुआ आज मुंगेलाल बाजुरिया के अंदर, तो गरबे के अंदर, तो ये काय पे से हुआ? वो अंदर सलेड़ो रास में जूता पहन के आएगा था, उसको बाहर निकलने के लिए बोले, हमने जूता निकाल के आया तो बाहर आया वो, और हमने जाकर झगड़े करना शुरू कर दिया। रैप्टर्स मारा उन्होंने। कैसे मारा उसने आपको? रैप्टर से। रैप्टर से मारे क्या? तो झगड़ा काय के लिए हुआ ये? वो संडेड़ो रास के अंदर जूता पहन के घुस गया था। अच्छा, तो हमने जूता निकालने के लिए बोले उसको। अच्छा, तो पहले अंदर उन्होंने हमारे को मम्मी को मारा उन्होंने। अच्छा, वो फिर बोला कि बाहर निकल। बोले कहाँ के लोग भाई? अलीगढ़ के। क्या नाम मालूम उनके? एक यश मोता करके है। हाँ, यश मोता। हाँ, और तिलक ठाकुर। तिलक ठाकुर।